इसका आनंद ले रहे थे, बारिश हो रही थी, तो ये बारिश का समय है क्या? नहीं है। जो असमय मौसम परिवर्तित हो जाए वो ही ताप है महाराज, है ना। बारिश का समय वर्षा ऋतु में होता है, जब तीन चार ऋतु होती है, हाँ, तो चार ऋतुओं में जो वर्षा ऋतु होती है तो वर्षा ऋतु में बारिश आना चाहिए, लेकिन आज शरद ऋतु में महाराज बारिश आ रही है, तो ये ताप है, भौतिक ताप है। और आजकल जो ताप चल रहा है ना, वो लेटेस्ट ताप है, लेटेस्ट कोरोना महामारी का, एक को छुओ दूसरे के अंदर भी आ जाता है, और क्वारंटाइन कर दो, बोलो राधे राधे, 8 दिन के लिए उसके अंदर पैक कर दो, किसी से बोलना नहीं, किसी से मिलना नहीं, किसी से बात नहीं करना, और दूरी बनाए रखो। तो कोरोना होने के बाद दूरी बनाओ, जिससे अच्छा है ना पहले ही दूरी बना लो, बोलो राधे राधे। तो ये क्या है? ये शारीरिक ताप है, देहिक देविक भौतिक, तो ऐसे ताप है महाराज। पहले हमें, अब तो देखे देखी न जाने कितनी बीमारियां हमारे शरीर में हो गई, लेकिन कहते हैं राम राज काहू नहीं व्यापा। ऐसा नहीं है कि राम जी के समय में ये व्यवस्थाएं नहीं थी, ये व्यवस्थाएं जब भी थी, लेकिन तब जो है किसी को ये होती नहीं थी। देहिक देह होती तापा, और राम राज का हुई नहीं व्यापा। और आज के जीवन में महाराज तीनों ही प्रकार के ताप हमें सता रहे हैं, तो हे प्रभु से यही प्रार्थना करो, हे प्रभु हमारे जीवन में ये ताप कभी नहीं आए। तो इसके लिए क्या उपाय है? बोले इसके लिए उपाय एक यही है कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, और वृथा श्वास नहीं खोए, अरे ना जाने आश्वास को भैया आवन हो ये न हो। ऐसे ऐसे संत हैं आज भी जिन्होंने जीवन में कभी गोली नहीं खाई, जीवन में कभी इंजेक्शन नहीं लगाया, कभी बोतल नहीं चढ़ी, ऐसे ऐसे संत हैं। क्यों? उनकी जीवन में भगवान का नाम का जो तप है महाराज, कोई आज सहारे भी नहीं जाता, बोलो राधे राधे। तो इसलिए भगवान के नाम में वो तप है जो सबको दूर कर देता है। इसलिए कहा कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनम तम नमामि हरिम परम। और फिर ये भगवान का नाम है, ध्यान देना, सत्य चित और आनंद, ऐसे स्वरूप को जो हर समय गाता है। और माताओं के अंदर तो महाराज 24 घंटे भगवान का नाम चलता रहता है, बोलो राधे राधे। ये माताओं की जिम्मेदारी दे दी परमात्मा ने पहले, ये बोले तुम्हारे इसमें हिस्से में, पहले ऊपर से रजिस्ट्री करके दे दिया, बोले जो है माताओं को ही, जो पुरुषों को कोई काम नहीं। देखिए कितनी संख्या है ना यहाँ माताओं की, अब पुरुषों की कितनी संख्या है। तो ये परमात्मा ने पहले दे दिया, इसलिए तो कहा धर्म के साथ चलेगी ये पत्नी, राधे राधे। इसलिए कहा कि महाराज भगवान का नाम तीनों प्रकार के तापों को दूर करता है, वही कृष्ण का नाम है। फिर आगे कह रहे हैं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक बार की कथा, आप सुनना ध्यान से। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 सोन कादि ऋषि बैठे थे, कितने? 88,000।
जैसे हम यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, बैठ करके गोविंद की कथा को सुन रहे हैं, इसी तरह से नैमिषारण्य तीर्थ है उत्तर प्रदेश में, तो वहां पर महाराज बैठ करके और वहां क्या कर रहे थे, गोविंद का चिंतन, जैसे हम यहाँ कथा सुन रहे हैं ना, इसी तरह से वहां पर गोविंद का चिंतन ये कर रहे थे। तो गोविंद का चिंतन जब कर रहे थे तो उसी समय एक छोटे से बालक के रूप में और कौन आए, सूत जी महाराज, 16 वर्ष की जिनकी उम्र है, सूत जा रहे थे, रोका, कहाँ जा रहे हो, बोले भजन करने, बोले महाराज हाथ जोड़ करके प्रार्थना है आपसे, क्या, बोले ये प्रार्थना है कि कोई ऐसी कथा हमें सुनाओ जिसको सुने तो हम और संसार के जितने भी प्राणी हैं, ये संसार के प्राणी अपने अपने दुखों से बड़े दुखी हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदा, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी तो राम को। बोले संसार में कोई भी सुखी नहीं है, पैसा है तो बीमारियां हैं, बीमारियां नहीं है तो पैसा है, गरीब दिन भर ये सोचता है कि पैसे कैसे कमाऊं, और अमीर ये सोचता है कि इन पैसों को कैसे खर्च करूं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी नहीं रहे तो दास, अरे थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी तो राम को दास। बोले राधे राधे, तो भैया नितान